काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। टॉपिक बहुत आसान है एमएससीटी के लिए। इसमें प्रेशर की इक्वेशन और फिर स्टीफंस लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, समझ गए कि नहीं? बस सर, इतना ही है, किरचॉफ्स लॉ, इतना ही पोर्शन है इस पे स्टडी करने के लिए। तो बहुत ज्यादा है नहीं और बहुत छोटा टॉपिक। सर लेसन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन है सर, उसमें रेडिएशन में आगे ब्लैक बॉडी वगैरह वो सब इंक्लूड किया है सर। हाँ, वो इंक्लूडेड है ना, मतलब इसी पे, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही आएगा ये। इस पे जो काइनेटिक थ्योरी है, थ्योरी मतलब समझ गए कि नहीं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, काइनेटिक थ्योरी का, गैसेस का। तो गैसेस को क्या माना गया यहाँ पे? काइनेटिक थ्योरी में ऑल गैसेस को आइडियल आइडियल माना गया। आइडियल आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया? मोनो एटॉमिक हो, ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट ना करे वॉल्स पे, काइनेटिक अच्छा, नहीं ऐसा कुछ एनर्जी जीरो होंगी उनकी। नहीं। देखो, अभी इसके लिए यहाँ पे सिचुएशन ये कि मान लो मैंने यहाँ पे बेटा एक कंटेनर लिया यहाँ पे ऐसा, और इस कंटेनर में ये गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस गैस सर, के यस सर, एटम्स या मॉलिक्यूल्स रखे हुए, ठीक है। अब ये गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? रेंडम मोशन में चल रहे हैं, बराबर है, समझ गए कि नहीं? ये गैस के एटम्स सर, और मॉलिक्यूल कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? रैंडम मोशन में चल रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है रैंडम मोशन में चलने वाली, रैंडम मोशन में चलने वाली जो स्पीड है, ठीक है, ये किसी की स्पीड V1 है, किसी की V2 है, किसी की V3 है, किसी की V4 है, किसी की V5 है, ये V6 है, ये V7 है। यहाँ पे सभी एटम कैसे हैं? अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो रियल गैस आइडियल के जैसा कब बिहेव करती है? रियल गैस बिहेव लाइक 0 केल्विन पे। आइडियल गैस, नहीं इसकी कंडीशन है बेटा, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे इनका बिहेवियर कैसा होता है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे इनका बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा होता है, समझ गए कि नहीं? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करती हैं? आइडियल गैस, आइडियल समझ गए कि नहीं? गैस लो जैसा। प्रेशर यस सर, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये दूर दूर रहने चाहिए तब लो प्रेशर आएगा। अगर ज्यादा कंसंट्रेट होगा मॉलिक्यूल तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हो तो उतने ही साइज में ज्यादा एटम रहते हैं, प्रेशर ज्यादा है, पंचर हो गया, हवा निकल गई, साइज उतना ही है उसका, समझ गए कि नहीं? सर यस क्या हो सर, गया, प्रेशर क्या हो गया वहां पे? कम हो गया। तो लो प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये दूर दूर रहेंगे, और हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करती हैं? आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आइडियल गैस की जो खास बातें हैं, आइडियल गैस के सभी एटम आइडेंटिकल होते हैं, और इनके बीच में जो भी कोलिजन होता है वो कैसा होता है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? कहानी यस सर, क्या है? ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर, ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, ठीक है, ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड इनके बीच में गैप काफी ज्यादा होता है, मतलब इनके साइज के कंपैरिजन में जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, एंड ऑल कोलिजंस आर
ऑल कोलिजंस आर इलास्टिक. सभी कोलिजन कैसे होते हैं बेटा? इलास्टिक कोलिजन होते हैं. ठीक है, ऑल कोलिजंस आर इलास्टिक. समझ गए कि नहीं सर? परफेक्टली इलास्टिक नहीं होंगे क्या सर? बात तो वही है, आप परफेक्ट इलास्टिक बोलो या इलास्टिक बोलो, एक ही बात होता है. इन इलास्टिक में फिर बात अलग होती है ना. ऑल कोलिजंस आर इलास्टिक. ठीक, आप परफेक्ट वर्ड भी लिख दो और नहीं भी लिखोगे चलेगा. एंड गवर्न बाय फोर्सेस इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ. ठीक है, फोर्सेस इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ. जो भी फोर्सेस लग रहा है वो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग लगेगा. यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स इन पे नहीं. ठीक है, इन आइडियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एब्सेंट. इंटर मॉलिकुलर फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम इज एब्सेंट. ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा? एब्सेंट रहता है इनपे. समझ गए कि नहीं? इंटरमोलिकुलर फोर्स इनमें क्या होता है? एब्सेंट. हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स एब्सेंट होने के कारण इनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी. जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कौन सी वाली रहेगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एटम इज एब्सेंट. देयरफॉर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. तो जो भी एनर्जी होती इनमें वो इंटरनल इनके रैंडम मोशन के कारण होती है. तो जो टोटल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल इंटरनल टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसके कारण होती है? थर्मल मोशन के कारण होती है या रैंडम मोशन के कारण होती है? समझ गए कि नहीं? यस सर. थर्मल मोशन के कारण. एंड इट इज ड्यू टू रैंडम मोशन और थर्मल मोशन. रैंडम मोशन और थर्मल मोशन, रैंडम मोशन या फिर थर्मल मोशन के कारण होती है. समझ गया बेटा? हेलो. यस सर. रैंडम मोशन या फिर थर्मल मोशन के कारण, इसी के कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो ये कुछ बेसिक अज्यूम्पशंस हैं यहाँ पे. अच्छा, जो एटम्स होते हैं वो रिजिड होते हैं. रिजिड मतलब समझ गए, दब नहीं सकते. जितना है वो फिक्स है. शेप शेप इनका चेंज नहीं होता एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का. क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके? यस सर. तो ये कुछ अज्यूम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. कुछ अज्यूम्पशंस हो गई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की. क्लियर? स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज पे. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ले लिए? यस सर. यस सर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे. नेक्स्ट आते पेज नंबर 2 पे. ठीक है, देखो अभी ठीक है देखो नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे. अब कुछ बेसिक और यहाँ पे मैं ले रहा हूं. यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कैपिटल n इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. ये कुछ सिंबल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, स्मॉल m का मतलब क्या होगा? स्मॉल m का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे इट इज मास और वन एटम.
ठीक है, कैपिटल एम मतलब स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, इट इज टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है। और एन ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10^23 पर मोल होती है, ठीक है। तो अब एक और टर्म में यहाँ पे डिफाइन कर दूं, एम नॉट, एम नॉट का मतलब होता बेटा स्मॉल एम इंटू एवोगैड्रो नंबर, एंड दैट इज मॉलिकुलर मास। ये क्या है यहाँ पे, मॉलिकुलर मास है, ठीक है, मॉलिकुलर मास है, स्मॉल एम इंटू एन ए, ये क्या है यहाँ पे, मॉलिकुलर मास है, समझ गया बेटा? यस सर, यस सर, दिस इज द मॉलिकुलर मास, ठीक है, मॉलिकुलर मास। अब एक और टर्म यहाँ लिख रहा हूं मैं, स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन आइदर एन अपॉन एन ए, टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, या फिर मास अपॉन मॉलिकुलर मास, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने लिखा यहाँ पे कि क्या क्या टर्म, क्या क्या आने वाले गैसेस के लिए, समझ गए? हेलो, यस सर, है ना। तो ये सिंबल सब इतना मीनिंग पे है, नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन इस तरह से आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कौन सी गैस ले ली, O2 गैस ले ली, कितने ग्राम ले लिए हमने, मान लो 50 ग्राम ले लिए यहाँ पे, तो कितने मोल आ जाएंगे यहाँ पे, तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास, मास कितने ग्राम हो गया यहाँ पे, 50 ग्राम हो गया, और O2 का मॉलिकुलर मास कितना होता है बेटा, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा एंड आंसर विल बी 50/32 मोल गैस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? यस सर, यस सर। हम यहाँ पे, जब हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या, बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब जिस कंटेनर में हमने इसको रखा है, मान लो ये जो वेसल है यहाँ पे, ये वेसल मान लो 10 लीटर की है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब 10 लीटर रहेगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वेसल या कंटेनर, वेसल और कंटेनर जिसमें ये गैस हमने रखी है, तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा यहाँ पे, 10 लीटर रहेगा, समझ गए कि नहीं? यस सर, कोई डाउट? नो सर, नो सर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल या फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना। फिर इसके बाद में भी हो गया, पी इज प्रेशर ऑफ गैस। अब यहां पे एक दो टर्म और लिख रहा हूं, आर इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, और ये जो गैस कांस्टेंट होता है इसको लिखते हैं एन ए इंटू के बी, जहां पे के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लियर हो गया अभी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझे? Yes, sir. Boltzmann constant. R is equals to Na into KB. R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, और KB की वैल्यू क्या होती बेटा, 1.38 × 10^-23 जूल पर केल्विन होती है इसकी वैल्यू, समझ गए कि नहीं, Boltzmann constant की वैल्यू? Yes, sir. समझ गए सर, ठीक है। तो इनको याद रखोगे, कुछ फैक्ट्स हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ले लिया सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। अब प्रेशर ऑफ गैस, तो वॉल्यूम समझ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है ना,
पेज नंबर थ्री एक्चुअल में यहाँ पे जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अगर हम लोग फाइव को ही कंसीडर कर लें, ये मान ले 10 मीटर पर सेकेंड है, ये वाला मान लो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, ये मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है, ये मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है, और ये वाला मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे सभी की जो स्पीड होती, जरूरी नहीं कि सबकी एक जैसी हो, कुछ की एक जैसी हो सकती है, ठीक है, कुछ की एक जैसी हो सकती है, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे एक टर्म होता बेटा एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी देखोगे, एवरेज रैंडम वेलोसिटी, तो ये कितनी होती है? जीरो कंटेनर के अंदर, ठीक है, एवरेज रैंडम वेलोसिटी इज जीरो। दूसरा टर्म है बेटा यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? सभी की स्पीड का सम v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. प्लस v7 एंड डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे? एवरेज स्पीड निकल जाएगी। जैसे एवरेज स्पीड 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना? 7, है ना, मीटर पर सेकंड, ये क्या जाएगी? एवरेज आ जाएगी। तीसरा पार्ट होता है आरएमएस वाली। तो वी आरएमएस स्पीड मतलब रूट फिर मीन फिर स्क्वायर। तो इट इज 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 7। फिर इसका रूट निकाल लो तो ये क्या निकल जाएगा? आरएमएस निकल जाएगा। समझ गए आरएमएस कैसे कैलकुलेट करना? Yes, sir. है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग आरएमएस के बाद फोर्थ पॉइंट पे, मोस्ट प्रोबेबल एक, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है, वेलोसिटी विच इज पोसेस बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल। वेलोसिटी पोसेस बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, अधिकतर मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी रखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी कौन सी वाली है? विच इज कॉमन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ये सबसे कॉमन है। तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होगी बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ गए? Yes, sir. अगर से सबकी वेलोसिटी अलग अलग होंगी तो क्या करना सर? फिर क्या करना मतलब अलग अलग? अच्छा ये यहाँ पे नहीं, ये तो हमने लिमिटेड नंबर लिए ना। अगर हम लोग इसी रूम की बात करें तो यहाँ पे कोई 5-6 मॉलिक्यूल थोड़ी, यहाँ तो लाखों करोड़ों एटम्स या मॉलिक्यूल गैसेस के, समझ गए कि नहीं? और अगर सबकी अलग अलग है तो जो कॉमन वाली सबसे पास की दिख रही, सबसे कॉमन वाली मतलब जैसे देख यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, या जैसे कुछ ऐसे डेटा आपको मिलेंगे, ऐसे मोस्ट प्रोबेबल के लिए जैसे कुछ डेटा मैं ले लू यहाँ पे, जैसे 10 है 12 है ना, 10 है 12 है 6.5 है 6.4 है 7 है 8 है 5.6 है 8 है 7 है 20 है 2 है ऐसा। तो मोस्ट प्रोबेबल जैसे 6.5 भी ले लू मैं यहाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल आप किसको बोल सकते हैं यहाँ पे? जैसे 6.5 है फिर, या 6.3 है ऐसा, है ना, फिर आप इसी में 7 को भी काउंट कर लो, 5.6 को भी काउंट कर लो। तो एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबल में जब इसका ग्राफ देखा जाता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है इसका, वो कुछ इस तरह का मिलता है आपको विद एटम। तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो कॉमन स्पीड जिनकी रहती, ये n वर्सेस ये ग्राफ ऐसा है। तो यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि सबसे अधिकतर एक कॉमन वेलोसिटी लगभग किन की जाता है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, समझ गया सर। हाँ, है ना, तो अगर सबकी अलग अलग है तो फिर एक कॉमन टाइप की कौन सी दिखता है? कॉमन टाइप की, है ना, समझ गए कि नहीं? उसको फिर मोस्ट प्रोबेबल हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये भी समझ में आ गया बेटा मोस्ट प्रोबेबल हम सर एक बार फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक बार बताओ ना सर, वो डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में सर। फर्स्ट पॉइंट बेटा एवरेज रैंडम वेलोसिटी, तो कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, तो सभी की एवरेज वेलोसिटी कितनी बनेगी यहाँ पे? एवरेज रैंडम वेलोसिटी जीरो जीरो बनेगी। हाँ, एवरेज रैंडम वेलोसिटी इज जीरो।
उसके बाद दूसरा एवरेज स्पीड कितनी आएगी, सबको ऐड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये एवरेज स्पीड बन जाएगी, समझ गए? यस सर। और आरएमएस सर? आरएमएस का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर। उसको कैसे निकालेंगे, हर एक वेलोसिटी स्पीड का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करके ऐड करो, फिर एवरेज निकालो और फिर उसका रूट लगा, समझ गए? यस सर, समझ गए। यस सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिया सर। Now this is page number 7. कौन सा पेज है ये? 3 है कि 4 है ये? 4 है सर, 4। हाँ 4 है अभी। हाँ, अब प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे प्रेशर कैसे आता है गैस का, आइडियल गैस का प्रेशर के लिए इक्वेशन, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, यहाँ पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। जैसे मान लो ये कंटेनर अपन ने लिया, वैसे किसी भी शेप का कंटेनर ले लो, चलता है यहाँ पे, और ये प्रेशर किसके कारण एग्जर्ट होता है यहाँ पे, तो प्रेशर एग्जर्ट होने का रीजन ये कि ये जैसे गैस का एटम यहाँ जाएगा, टकरा के यहाँ पे आएगा, और इस प्रोसेस पे क्या होता है, मोमेंटम में चेंज होता है। जैसे एक गैस का एटम यहाँ कंटेनर से टकराया, रिटर्न हुआ, मोमेंटम में चेंज होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनता है, फोर्स बनता है, फोर्स बनता है, और फिर सभी एटम कितना फोर्स लगा रहे सबको सम कर दो तो टोटल फोर्स लगाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम लोग ले लें तो क्या बन जाता है फिर वो, प्रेशर, प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, चेंज इन मोमेंटम, जैसे इसका मास m है, इसकी स्पीड u है, और ये टकराने के बाद जब इधर पे आएगा तब भी इसकी स्पीड उतनी स्पीड से रिटर्न भी होता है, तो चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल बनेगा यहाँ पर, इट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इनटू माइनस यू एक्स, एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा, माइनस ऑफ यू एक्स, या फिर माइनस टू टाइम्स एम इनटू यू एक्स, या फिर वी एक्स, आप इसको लिख सकते हैं, ये एक एटम के लिए। और फिर यहां से अगर हम लोग देख लें, एक एटम के लिए जो फोर्स आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और सभी के लिए एवरेज अगर निकाल लोगे, ठीक है, सभी एटम्स के लिए अगर एवरेज निकाल लोगे यहाँ पे, तो ये एवरेज फोर्स एग्जर्ट आ जाएगा, और फिर इसी में प्रेशर अगर हमको चाहिए तो फोर्स पर यूनिट एरिया कर दोगे, तो प्रेशर क्यों एग्जर्ट होता है, वो इस तरह से आता है, ठीक है। मैं पूरे कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे इक्वेशन लिखता हूँ। मोमेंटम में चेंज होने से एक एटम का फोर्स आएगा, फिर टोटल एवरेज निकाल लो, फिर ये निकाल लो आंसर। तो प्रेशर का जो फार्मूला आता है, इट विल बी 1/3 स्मॉल m इनटू n इनटू v rms स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, व्हाट इज v हियर, इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, समझ गए कि नहीं? यस सर, ठीक है। स्मॉल n एक एटम का मॉलिक्यूल, और कैपिटल n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। T क्या हो गया बेटा यहाँ पे, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, T इज टेम्परेचर, एंड व्हाट इज P हियर, P इज प्रेशर, समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर विल बी गिवन बाय 1/3 स्मॉल m इनटू n, किसके बराबर, टोटल मास, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इनटू vrms स्क्वायर, vrms स्क्वायर, समझ गए कि नहीं, ये प्रेशर की इक्वेशन यहाँ पे, इट इज 1/3 और ये टर्म बन जाएगा डेंसिटी इनटू vrms स्क्वायर, जहां पे रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस। So remember this, this is the equation of pressure here. समझ गए? Sir, second step बताओ ना sir. Second step. ये वाली? Second sir. ये को कैसे है वो बता। कौन सा वाला? ये वाला कि ये वाली है? Sir, उसके नीचे वाला। ये?
स्मॉल एम इंटू एन, स्मॉल एम मतलब एक एटम का मास, कैपिटल एन जितने एटम्स है मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक एक एटम का मास में सभी नंबर ऑफ एटम्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल मास बनेगा ना। यस सर समझ गए सर। इस टोटल मास और मॉलिकुलर मास कब बनता है, जब स्मॉल एम इंटू एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है यस सर समझ गया सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए यस सर। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर ले लिया सर। पेज नंबर 5 पे आते हैं। तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का फार्मूला क्या आ गया, फार्मूला रिमेंबर द फार्मूला, इट इज 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन इनटू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इट विल बी 1/3 कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम इनटू वी आर एम एस स्क्वायर। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। या फिर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज 1/3 रो इनटू वी आरएमएस स्क्वायर। अब यहां से ना हम लोग आरएमएस वेलोसिटी के लिए इक्वेशंस देखते हैं यहां पे। तो प्रेशर के लिए ये फार्मूला है, इसको याद रखना, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे, सिंबल ऑलरेडी देख चुके हैं अपन। यहां पे आ रहे हैं हम लोग आरएमएस स्पीड वी आरएमएस। देखो अभी यहां पे वी आरएमएस कैसे बन जाएगा, अब देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है बेटा, सिंस वीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन मतलब मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी। समझ गए? यस सर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाला टर्म बनता है ना डेंसिटी, डेंसिटी इनटू आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये स्टेप ऐसी हो जाएगी कि प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये टर्म हो जाएगा बेटा 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया अभी? यस सर। यस सर। यस सर। मॉलिक्यूलर मास है ना। और फिर अब इसको और चेंज कर देते हैं अपन। यहाँ पे R को क्या लिख सकते हो तुम, Na इंटू AB इंटू T। मॉलिकुलर मास भी किसके बराबर, Na into small m, है ना। तो Na से Na टर्म कैंसिल हो जाएगा, इट इज kVt अपॉन स्मॉल m। तो या तो ये फार्मूला लिख सकते हो आप, या फिर ये वाला फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, इट इज 3 kVt अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m मतलब मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। तो RMS स्पीड के ये फार्मूले हैं, ध्यान रखोगे। समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गए सर। है ना। अब यहाँ पे ना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या गलती करते वो बताता हूँ मैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस में आरएमएस स्पीड निकालना है, कौन सा फार्मूला लगा दोगे? तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला नहीं तो ये वाला, सेकंड वाला भी।
थ्री गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 ध्यान रखना जूल पर मोल पर केल्विन लिए है ना और टेम्परेचर कितना 27 लेना कि केल्विन में लेना है केल्विन में लेना ध्यान रखना 273 प्लस 27 हाँ ये केल्विन में लेना तो इट इज 300 केल्विन होगा एक और गलती होती है हीलियम गैस के लिए एक और गलती होती है हीलियम गैस का मॉलिकुलर मास कितना होता है 2 होता सर हैं हीलियम गैस का मॉलिकुलर मास कितना होता है 4 है हीलियम गैस का होता बेटा 4 ग्राम पर मोल 4 ग्राम हाँ 4 ग्राम मतलब 4×10⁻³ केजी पर मोल एक बात ध्यान देना यहाँ पे मास में भी एक गलती होती 4×10⁻³ केजी पर मोल अभी सारे डेटा आपका एसआई सिस्टम पे है तो ये केल्विन से केल्विन कटेगा मोल से मोल कटेगा अभी जूल पर केजी बचेगा तो इसका आंसर अब मीटर पर सेकंड पे आएगा और अगर ये ग्राम में लिख दिए तुमने 4 लिख दिए तो आंसर आपका गलत आएगा तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम ठीक है yes, समझ गया कि नहीं कोई डाउट इस पे नो सर हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज पर भी जल्दी से ले लिया सर ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए यस सर पेज नंबर 6 पे आते हैं अभी अपन लोग है ना स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का यस सर यस सर आरएमएस स्पीड का कैलकुलेशन समझ गए यस सर पेज नंबर 6 अभी अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देता हूँ देखो अभी m into v rms square is equals to 3 pv है ना और अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं आप m v rms square is equals to 3/2 pv समझ गए कि नहीं so now yes sir यस सर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस कितनी आएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी आरएमएस स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 3/2 pv आया ना ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस है 3/2 pv फिर थोड़ा और चेंज कर लेते हैं अपन इट इज 3/2 pv लिख दो या फिर 3/2 nRT लिख सकते PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT हाँ सर हाँ सर है ना nRT होता है कि नहीं यस सर होता है दो टर्म आ रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मोल इट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये ठीक है इट इज इक्वल्स टू 3/2 rT एंड दूसरा एक और टर्म बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर एटम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल के टर्म पे लिख सकते हो या 3/2 nKBT के फॉर्म पे भी लिख सकते हो इसको ठीक है ध्यान रखना देखो पीवी इक्वल्स टू nRT भी इक्वेशन बनती है या कैपिटल n इनटू KBT के फॉर्म पे भी इक्वेशन बनती है आइडियल गैस इक्वेशन की ये नंबर ऑफ मोल के टर्म पे है और ये वाली नंबर ऑफ एटम्स के टर्म पे है ठीक है तो ये जो एनर्जी है इट इज काइनेटिक एनर्जी पर एटम मतलब ये भी एवरेज है और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है 3/2 kBT के बराबर आ रही है समझ गए कि नहीं यस सर समझ गए सर 3/2 kBT के बराबर आ रही है समझ गए बेटा यस सर कोई डाउट इस पे नो सर नो सर नहीं है नो सर ठीक है
तो ये 3/2 केवीटी। तो क्या देखो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल मास एंड अपॉन मॉलिकुलर मास है। जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये टोटल वाली है टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला 3/2 PV, 3/2 nRT या 3/2 मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू आरटी है ना। तो ये जो एवरेज वाली वैल्यू है ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, एवरेज वाली वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, ये तो गैस कांस्टेंट और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिकुलर मास वाला टर्म है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। समझ गए कि नहीं, किस पे डिपेंड करती है, Only depends on absolute temperature, ठीक है, जबकि total kinetic energy दोनों factor पे depend करती है, but total kinetic energy depends on nature of gas and temperature both, दोनों पे depend करती है बेटा, समझ गए? Yes sir. कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। पक्का ना? यस सर, कोई डाउट नहीं सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? यस सर। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? यस सर। पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन, है ना? मिटा दूं इसको? यस सर। पेज नंबर 7 जैसे यहां पे बताना है, यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे 2 mole हीलियम गैस एंड 4 mole ऑक्सीजन गैस एट 27 degrees Celsius, देन फाइंड, यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन ये है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम गैस इज ग्रेटर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, बी ऑप्शन है यहाँ पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम गैस इज लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, समझ गया बेटर, एंड सी ऑप्शन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम गैस इज इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? अब भी एक स्टेटमेंट लिखा था मैंने कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती, गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, हाँ, नेचर ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहे, समझ गए कि नहीं? यस सर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आइदर 3/2 RT है ना, ये पर मोल है, ये
और मोल अगर देख रहे हैं तो ये लिखना है, या फिर 3/2 kBT ये पर एटम, ठीक है। अगर आरएमएस स्पीड निकालनी है, जैसे अगर हमें गैस का प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पे गैस के प्रेशर का? लगेगा ना सर। कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा प्रेशर के लिए? प्रेशर ऑफ हीलियम गैस 1/3 क्या जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वी आरएमएस स्क्वायर, बराबर है? यस सर। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिए हुए, नंबर ऑफ मोल से आप क्या डेंसिटी निकाल सकते हो इसकी? यस सर निकल जाएंगे। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो अभी क्या करोगे यहाँ पे, इट इज 1/3 इंटू डेंसिटी, और वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, आया ना? यस सर। सो इट इज 1/3 मास अपॉन मॉलिकुलर मास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, बराबर है? क्या क्या गिवन है बेटा यहाँ पे, चलो एक और डेटा मैं ले लू, इसका पूरे का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 20 लीटर वॉल्यूम है, तो लीटर को ना मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन क्या होता है ध्यान देना, 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब, हाँ, तो इसको बगैर कन्वर्ट किए इसके आंसर्स आपसे नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं? यस सर। 1/3 मास अपॉन मॉलिकुलर मास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल, एंड इट इज 3RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 3 फैक्टर रख जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इनटू आरटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या फिर सीधा सीधा ये तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो प्रेशर विल बी एनआरटी अपॉन वी, डायरेक्ट कर सकते, ठीक है, समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया पूरा?